यूपी में भी बहुत जगह गए हैं, बिहार में, बंगाल में, झारखंड, या बगल में देश है नेपाल में भी गए हैं, अभी कुछ दिन पहले गुजरात में भी गए थे, तो बहुत सारा जगह अभी गए खेलने और बहुत सारा जगह। देखिए आप बता दें कि पूरे यूपी बिहार में इनका नाम का चर्चा है, लेकिन ये रहने वाले उस जगह के हैं जहाँ के सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, यानी ये प्रतापपुर गांव से हैं, सिवान जिले से हैं। अपने जो भी दर्शक हैं, मेरे सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और ऑन फील्ड पे, सब मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्हीं लोग की वजह से मैं फेमस हूँ। जो भी बाहुबली नाम का जो आपको दिया गया है, उसको क्या कहेंगे, कैसे मिले बाहुबली? बाहुबली नाम जब मूवी आया था तो कुछ दिन बाद से हम लोग यहीं कभी राजेंद्र स्टेडियम में, कभी बीएमएची में, गांधी मैदान में मैच आपस में हम लोग खेलते थे, बैटल का मुकाबला होता था, तो उस टाइम पे कभी कभी कोई कोई मुकाबला में ऐसा होता था कि हम लोग दो तीन आदमी खेलते थे तो अकेले ही बहुत सारा रन बना देते थे, तो विशाल एक बहुत ज़्यादा हिट करते थे, बहुत ज़्यादा हिट करते थे, तो विशाल मैक्सवेल एक दोस्त था, यही बगल में उसका घर है, और वो उनके बड़े भाई मनीष यादव काफ़ी अच्छे लेदर के क्रिकेटर हैं, तो साथ में रहते थे, तो वही सबसे पहले बोलना स्टार्ट किया कि बाहुबली है। जाते हैं अपने बाहुबली अंदाज के लिए जाने जाते हैं और बाहुबली तरीके से खेलते हैं। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ट्रायल हो रहा है यूपी में, टूर्नामेंट होने जा रहा है यूपी क्रिकेट लीग, और बिहार और यूपी के लगातार बच्चे ट्रायल दे रहे हैं, अलग अलग शहरों में ट्रायल हो रहा है, आज सिवान में हो रहा है, क्या लग रहा है इससे कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा बच्चों को आगे? बी ए, बी कॉम, बी एस सी, एम ए, एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। राजेंद्र स्टेडियम में आज आपको बता दें यूपी क्रिकेट लीग का ट्रायल चल रहा है, और आज एक ऐसे शख्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, गजब का चर्चा था, और ये जो बाहुबली है हमारे साथ, इनका भी गजब का चर्चा है। सरफराज और बाहुबली हमारे साथ हैं और इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे, काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जहाँ इस तरह का टूर्नामेंट आयोजन होता है, ट्रायल होता है, लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बोलिए जी। वो सब मैं अपने जो भी दर्शक हैं, मेरे सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और ऑन फील्ड पे, सब मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्हीं लोग की वजह से मैं फेमस हूँ। जो भी बाहुबली नाम का जो आपको दिया गया है, उसको क्या कहेंगे, कैसे मिले बाहुबली? बाहुबली नाम जब मूवी आया था तो कुछ दिन बाद से हम लोग यहीं कभी राजेंद्र स्टेडियम में, कभी बीएमएची में, गांधी मैदान में मैच आपस में हम लोग खेलते थे, बैटल का मुकाबला होता था, तो उस टाइम पे कभी कभी कोई कोई मुकाबला में ऐसा होता था कि हम लोग दो तीन आदमी खेलते थे तो अकेले ही बहुत सारा रन बना देते थे, तो विशाल एक बहुत ज़्यादा हिट करते थे, बहुत ज़्यादा हिट करते थे, तो विशाल मैक्सवेल एक दोस्त था, यही बगल में उसका घर है, और वो उनके बड़े भाई मनीष यादव काफ़ी अच्छे लेदर के क्रिकेटर हैं, तो साथ में रहते थे, तो वही सबसे पहले बोलना स्टार्ट किया कि बाहुबली है, बाहुबली है, तो वहीं से मतलब फिर अगल बगल के क्षेत्र में जहाँ भी जाते थे तो धीरे धीरे लोग जानते जानते ऐसे ही बोलते बोलते सब लोग बोलते। तो ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया पे है, जब हम लोग देखते हैं कहीं क्रिकेट चल रहा है तो हम लोग कॉमेंट नीचे पढ़ते हैं, लोग पूछते हैं इसमें कि बाहुबली यहाँ पहुँचे हैं कि नहीं, ठीक है ना, तो आपके नाम का चर्चा होता है, तो कहाँ कहाँ अभी तक आप गए खेलने, बिहार यूपी कहाँ का? और यूपी में भी बहुत जगह गए हैं, बिहार में, बंगाल में, झारखंड, या बगल में देश है नेपाल में भी गए हैं, अभी कुछ दिन पहले गुजरात में भी गए थे, तो बहुत सारा जगह अभी गए खेलने और बहुत सारा जगह। देखिए आपको बता दें कि पूरे यूपी बिहार में इनका नाम का चर्चा है, लेकिन ये रहने वाले उस जगह के हैं जहाँ के सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, यानी ये प्रतापपुर गांव से हैं, सिवान जिले से हैं, और इनका नाम पूरे यूपी बिहार में है, क्योंकि हर जगह ये खेलने जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपने बाहुबली अंदाज के लिए जाने जाते हैं और बाहुबली तरीके से खेलते हैं। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ट्रायल हो रहा है यूपी में, टूर्नामेंट होने जा रहा है यूपी क्रिकेट लीग, और बिहार और यूपी के लगातार बच्चे ट्रायल दे रहे हैं, अलग अलग शहरों में ट्रायल हो रहा है, आज सिवान में हो रहा है, क्या लग रहा है इससे कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा बच्चों को आगे जाने का? देखिए जो यूपी में लीग हो रहा है तो इसमें सिर्फ बिहार और यूपी के ही लड़के खेल सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि जब भी बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसमें ऑल इंडिया इंडिया ओपन रहता है, वहाँ पे क्या होता है कि मतलब अपने यहाँ के लड़कों को, यूपी के और बिहार के लड़कों को ज़्यादा लोग को मौका मिल नहीं पाता है, क्योंकि पूरा ऑल इंडिया ओपन रहता है तो कोई भी फाइनेंसर चाहता है कि मैं बाहर के लोगों को ज़्यादा चांस दूँ, तो फिर अपने लड़कों को चांस मिल नहीं पाता है, तो फिर जो नए नए लड़के हैं काफ़ी अच्छे लड़के हैं और जो पुराने भी हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है खेलने का, ये काफ़ी अच्छा पहल है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी है यूपी और बिहार का, अभी तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, और इसमें खास बात है कि नए लड़कों को भी मौका दिया जा रहा है, और जब तक मौका नहीं दिया जाएगा नए लड़के को बड़े मंच पर, तब तक कोई निकल के
सामने आएगा नहीं। अच्छा, तो जो इसके आयोजक, हमने सुना कि 256 बच्चों का सिलेक्शन होगा टोटल, 256 बच्चे जब खेलेंगे तो क्या लग रहा है इससे भी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब इतना बड़ा लेवल पे यूपी बिहार का टूर्नामेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो आईपीएल होता है देश में इतना बड़ा, और उसके जो भी स्पॉन्सर हैं या फिर जो आयोजक हैं उसके जो लोग ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी नज़र इस पर होगी, हो सकता है कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखाए तो उनको भी आगे मौका मिल जाए। देखिए, आईपीएल का जहाँ तक बात है वो लीडर क्रिकेट है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में भी इस बार आपने शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा, ISPL हुआ है, IPL के ही तर्ज पे ISPL हुआ है, इसमें इसको भी ICC के थ्रू ही करवाया गया है उसको, उसमें विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा था, 1 करोड़ के करीब था, तो ICC ने इसका भी शुरुआत किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान में जैसे टेप बॉल से हारिस रऊफ या इस तरह कई सारे अभी टाइम में आप देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में हर स्टेट में टेनिस का जितना क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, तो उसी को देखते हुए ICC ने इस बार ISPL कराया है, जो कि सेम टू सेम, मतलब वो समझ लीजिए कि टेनिस का IPL है, आप लेदर का IPL अलग है, टेनिस का IPL अलग है, तो बड़ा, काफी बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, आप देखिएगा जाके उसको। अच्छा, एक चीज और, तब तो दिक्कत आ सकता है, जैसे सारे लोग मान लीजिए ICC अगर इस क्षेत्र में आ रही है टेनिस की तरफ, तो सारे लोग अगर टेनिस में जाने लगे हैं तो फिर हो सकता है कहीं लेदर बॉल में दिक्कत हो जाए फिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग टेनिस में ही आने लगे, जिनको पसंद है वो टेनिस में जाएंगे, जिनको पसंद है स्टार्टिंग से वो लोग टेनिस ही खेलते हैं, हम लोग ही कभी लेदर का कोशिश ही नहीं किया ना कभी। अच्छा, शौक हुआ टेनिस का, एक ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत काफी ज्यादा क्रेज है टेनिस का, तो जो लोग ग्रामीण, टेनिस क्रिकेट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काफी चर्चा है उसे, क्योंकि इसमें बहुत सारा सुविधा का जरूरत है नहीं, गांव में कहीं पिच बना लिए आप खेलने लगे, बहुत बड़ा ग्राउंड का भी इसमें जरूरत नहीं रहता है। लेदर क्रिकेट है जो कि प्रॉपर कॉस्टली भी होता है, लेदर क्रिकेट जो है प्रॉपर आपको हर चीज जब तक नहीं हो पाएगा आप नहीं खेल सकते, क्योंकि उसमें इंजर्ड होने का भी चांस रहता है, और टेनिस क्रिकेट है कि कम खर्चे में भी आदमी खेल लेता है, सिर्फ बैट बॉल ले लिए ऐसे खेलने लगे, तो इसका क्रेज अभी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि तो अगर आप टेनिस भी कोई खेल रहा है तो जैसे बढ़ावा मिल रहा है, ऐसे आयोजन हो रहे हैं, UPCL हो गया और बिग बैश जगह जगह हो रहे हैं, तो इससे जो UPCL ये हो रहा है तो इससे आगे चांस मिलेगा ही, आगे खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसको भी पूरा देश देखेगा, जो भी टेनिस क्रिकेट के प्रेमी है वो सारे लोग इसको देखेंगे, तो इसमें जो लड़का अच्छा करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें ISPL के जो सिलेक्टर है उनका नजर जरूर पड़ेगा इस पे, तो जो ISPL का जो बात आप कर रहे हैं, क्या उसमें भी ऑप्शन होता है IPL की तरफ? सेम ऑप्शन होता है उसमें भी, प्लेयर्स लोग लगभग करण अम्बाला 27 लाख में बिका था, और भी सारे प्लेयर 20 लाख 10 लाख में, से सेम समझिए कि टेनिस का IPL हो गया था, तो वैसे मुकाबले। देखिए, अगर इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बड़ी बात है जो क्रिकेट में एक सपना तो रखते हैं आगे बढ़ने का, लेकिन उनके पास क्या है कि सुविधा नहीं होता, या फिर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ सोर्स पैरवी से होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ट्रायल में आप आइए और इस ट्रायल में मौका आपको भी मिलेगा आगे बढ़ने का, अगर आपने परफॉर्मेंस बेहतर दिखाया तो कहीं ना कहीं आपका ट्रायल होगा, ऑक्शन में भी बैठने का मौका मिलेगा क्या, और उसके बाद से आगे फिर खेलेंगे भी, और जैसा ये बता रहे हैं ISPL के बारे में तो उसमें भी सिलेक्शन होने का मौका मिल सकता है। लास्ट में आप अपने समर्थकों को क्या कहेंगे, जो लोग आपको खास करके देखते हैं सुनते हैं? मैं तो हमेशा से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मेरे जो सपोर्टर है काफी दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं ना कभी उनसे मिला हूँ ना कभी बात किया हूँ, फिर भी लाइक करते हैं आपको, दूर दराज से, विदेश से, देश से देखते रहते हैं, और जहाँ भी आदमी जाता है ग्राउंड पे तो मिलते हैं जब उनसे तो पता चलता है कि कोई आया 10 किलोमीटर। अच्छा, वाकई आप लोग इनको बिना देखे बिना सुने पसंद करते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी इस वक्त इनको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वे लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आप कहां से हैं और कब से इनको जानते हैं और कब से इनको पसंद करते हैं और आगे इनको आप कहां देखना चाहते हैं, ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते हैं न्यूज़ इंडिया।